गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, और अपनी पहली क्लास है और आप अच्छे से करना, और जहां भी आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको वो सोल्व करवा दूंगा। देखिए बेटा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुपद, जो कि अपनी प्रश्नावली है दूसरी। कौन सी है भाई? बहुपद। आपकी क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है बहुपद, और अपनी ये पहली क्लास है। बिल्कुल आराम से करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो आपको दोबारा से रिपीट करवा दूंगा। अब देखिएगा बेटा, आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद का सामान्य परिचय करेंगे कि बहुपद कहते किसे हैं। अब आपने ना 6th, 7th और 8th में पढ़ा है कि x प्लस 4 बराबर आपको 0 दिया गया था। x प्लस 4 बराबर है 0। निम्न बीजीय व्यंजक को हल कीजिए। अब शब्द आया बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अब बेटा देखिएगा, आपने ना 6th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। इस प्रकार आपको समीकरण दे दिया गया है और कहा है कि निम्न बीजीय व्यंजक को हल कीजिए। अब आपको इसको हल करना है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। अब ये देखो, x प्लस 4 है, x प्लस 4 आपका बीजीय व्यंजक है। जहां जो ये 4 है ना, ये एचर पद या एचर राशि है। ये वाला कौन सा पद है? एचर पद। और ये आपका है चर पद या चर राशि। अब दिमाग में आया कि ये एचर और चर क्या होता है। देखिए, जिसका मान प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो वो पद कौन सा होता है? एचर पद होता है। मान इसका क्या होता है? स्थिर होता है। और जिसका मान हमें निकालना हो वो क्या होता है? चर पद। अब चर की बात आती है ए से लेकर जेड तक, कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहां x प्लस 4 है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं y माइनस 2 बराबर 0 या y प्लस 2 बराबर 0। तो आपके जो ये बीजीय व्यंजक है, इसमें आपका ये वाला पद कौन सा है बेटा? चर पद है। और ये वाला पद कौन सा है? एचर पद है। अर्थात जिनका मान प्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ हो और जो मान स्थिर हो वह क्या कहलाता है? एचर पद, या वो राशियां क्या कहलाती है? एचर राशियां। और जिसका मान हमें निकालना पड़े वो क्या कहलाएगी? चर राशियां। और पद की बात आए तो कौन सा होगा? चर पद। अब बात आती है बीजीय व्यंजक की, तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगी? चर पद चर और एचर राशियों के चर और एचर राशियों के योग घटाव गुणनफल, या गुणा लिख सकते हो, वह भाग के संयोग को, भाग के संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बेटा देखिएगा, सबसे पहले आप अच्छे से नोट्स बनाना, और सबसे पहले लिखना चर राशियां, जिनका मान हमें निकालना हो वो राशियां कौन से कहलाती है? चर राशियां। और जो प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो वो क्या कहलाएगी? एचर राशियां। और पद की बात आती है ना बेटा, तो ये वाला चर पद होता है और ये क्या होता है? एचर पद। उसके बाद आता है, हेडिंग डाल लीजिएगा आप बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिखना,
चर राशि और एचर राशियों के योग घटाव गुणा व भाग के संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहां योग तो ये आ गया, जैसे जैसे क्या लिखता हूं मैं, जैसे x प्लस टू ये चर पद है और ये क्या है एचर पद और इनका क्या है योग, या y माइनस फोर ये आपका अचर पद है और ये क्या है एचर पद, या 2x बोलिएगा क्या है ये आपका चर है और ये क्या है एचर। यहां तो योग हो रहा है, यहां आपका घटाव हो रहा है, यहां गुणा हो रहा है, और अगर मैं ये लिखूं x बाई फोर तो यहां क्या हो रहा है भाग हो रहा है। तो बेटा बीजीय व्यंजक की परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगा, चर राशि और एचर राशि, और आप जानते हो चर राशि कौन सी होती है जिनका मान हमें निकालना पड़े, एचर राशि कौन सी होती है जो प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो। तो चर राशि और एचर राशि के क्या भाई, योग घटाओ गुणा और भाग के संयोग को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बात आती है बहुपद की, तो बीजीय व्यंजक को ही बीजीय व्यंजक को ही बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। अब देखना ध्यान से समझना, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं यदि, नंबर एक, बीजीय व्यंजक, देखिएगा बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। कब कहते हैं, यदि नंबर एक कंडीशन होती है पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या निश्चित हो, यदि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए निश्चित होनी चाहिए, और नंबर दो चर की घात। अब चर राशि आपको पता चल गया ना, एक्स वाई ए बी सी डी जेड तक होता है, चर की घात धनात्मक, चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, चर की घात धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। देखो चर राशि कौन सी होती है जिनका मान हमें निकालना पड़े, एचर राशि जो प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो, और चर राशि के संयोग, चर राशि और एचर राशि के संयोग को क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं बहुपद। कब होगा बीजीय व्यंजक बहुपद, उसमें पदों की संख्या क्या हो निश्चित हो, और चर राशि की क्या घात क्या हो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो। अब बेटा बात आती है धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, एक दो तीन चार या तीन चार पांच, बट यहां बहुपद हम तीन तक ही करेंगे। अब देखिएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या हो मतलब सारी कौन सी संख्या हो, प्लस वाली संख्या हो, वो क्या कहलाएगी धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखिए बहुपद, बहुपद किसे कहते हैं, आप सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालना बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक में क्या लिखोगे चर राशि और एचर राशि के, चर राशि और एचर राशि के योग घटाओ गुणा व भाग के संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं। और नीचे फिर लिखना बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं यदि उसमें नंबर वन पदों की संख्या क्या हो निश्चित हो, और चर राशि की घात क्या हो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, मींस बेटा एक दो तीन, ठीक है ना, प्लस वाली संख्या हो। अब उसके बाद आप लिखना बहुपद के प्रकार, उसके बाद आप लिखोगे
बहुपद के प्रकार। अच्छे से नोट्स बनाना, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार दो प्रकार से हैं। एक तो देखो पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं ना, तो एक तो क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो। दूसरा चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो। तो बहुपद के प्रकार एक तो होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। एक कौन सा होता है, पदों के आधार पर। और बेटा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार तीन होते हैं। नंबर वन आपका होता है, बहुपद के प्रकार की बात करूं मैं तो नंबर एक आपका आता है पदों के आधार पर। और पदों के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं। नंबर वन एकपदी बहुपद, एकपदी बहुपद। नंबर दो द्विपदी बहुपद। नंबर तीन त्रिपदी बहुपद। अब अगर मैं बहुपद के प्रकार की बात करूं तो नंबर एक आता है बेटा आपका पदों के आधार पर। और पदों के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें से नंबर एक आपका है एकपदी बहुपद, नंबर दो आपका है द्विपदी बहुपद, नंबर एक तीन आपका है त्रिपदी बहुपद। अब इनकी परिभाषाओं की बात करूं मैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। अब देखो द्विपदी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। और त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने, तीन। नंबर एक कौन सा, एकपदी बहुपद, नंबर दो द्विपदी बहुपद, नंबर तीन त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाएगा, एकपदी बहुपद। जिसमें दो पद हो क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। तीन पद हो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद। जैसे तीनों के मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपका आ गया 2x, बोलिएगा कितने पद है इसमें, एक ही पद है तो क्या कहलाएगा, एकपदी बहुपद। अब यहां देखिएगा इसका एग्जाम्पल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4, बोलो कितने पद है, एक और एक है, दो। एक तो आपका चर पद है और एक क्या है, अचर पद है, तो ये कौन सा कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। अगर यहां लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x-4, बोलो बेटा कौन सा पद कहलाएगा, 1, 2, 3। या यहां मैं प्लस का भी 4 कर दूं, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। अब बोलो बेटा 1, 2, 3 कितने पद है भाई, तीन, तीन है तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी। देखो 1, 2, 3 कौन सा हो गया, त्रिपदी। 1, 2 कौन सा हो गया, द्विपदी। 1 कौन सा हो गया, एकपदी। यहां
घात का मतलब नहीं है, सिर्फ पदों के आधार पर है। अब इसी प्रकार नंबर एक हो गया पदों के आधार पर। बहुपद की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं ना, बट कब कहते हैं, जब पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार, तीन प्रकार। अब आता है चर की घात के आधार पर, नंबर दो आपका है, नंबर दो है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब कौन सा बताऊंगा मैं, घात के आधार पर, घात के आधार पर भी बात करूं ना, तो यहां भी बहुपद के प्रकार कितने हैं भाई, तीन है। बहुपद के प्रकार कितने हैं, तीन। घात के आधार पर भी तीन होते हैं और पदों के आधार पर भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। अब घात के आधार पर नंबर एक, जिसकी उच्चतम घात हाईएस्ट पावर कितनी हो, एक हो, वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। फर्स्ट कौन सा होता है, रैखिक बहुपद। ध्यान से समझना बस, अच्छे से नोट्स बनाना इसके। और जिसकी उच्चतम पावर दो हो वो कहलाता है द्विघाती बहुपद, और जिसकी उच्चतम घात तीन हो वो कहलाता है त्रिघाती बहुपद। जिसकी हाईएस्ट पावर एक हो वो रैखिक बहुपद, दो हो वो द्विघाती बहुपद, और तीन हो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं, इसमें लिख लीजिएगा बहुपद की, बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात, चर राशि की उच्चतम घात एक हो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। बहुपद में देखो, इसमें बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात कितनी हो, एक हो, और यहां उच्चतम घात कितनी हो, दो हो, और यहां नाम से ही पता चल रहा है उच्चतम घात, अच्छे से परिभाषा लिखना, तीन हो। जिसकी उच्चतम घात तीन हो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। दो हो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद, और एक हो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। जैसे यहां लिखा मैंने 2x+4, 2x+4 है। अब बेटा चर राशि देखो x, x की उच्चतम घात कितनी है, ऊपर नहीं है तो कितनी होगी, एक होगी। तो यहां अगर घात के आधार पे बोले तो कौन सा होगा, रैखिक बहुपद। बट इसी को बोल दे कि पद के आधार पे बताओ तो ये क्या होगा, पद कितने हैं इसमें भाई, दो, तो ये कौन सा होगा, द्विपदी बहुपद। बट घात के अनुसार क्या है, एकपदी बहु, रैखिक बहुपद। अब बेटा देखिए, ऐसे भी मैं एग्जांपल लेता हूं, दूसरा देखिएगा 3y+8, ये भी क्या है, यहां चर राशि x की बजाय क्या है, y, और पावर नहीं है, इसका मतलब कितना है, एक, और ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अब दूसरा देखिए x²-4, बेटा x की हाईएस्ट पावर कितनी है, दो, तो कौन सा कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। अगर इसी को मैं बोलूं कि पदों के आधार पे कौन सा होगा, द्विपदी बहुपद। अगला देखिए x²+8x+8, बोलो ये क्या होगा, आप मुझे बताएं कि, या मैं 16 लिख दूं, बेटा मेरे को ये बताएं आप कि यहां अगर मैं बात करूं पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, देखो हाईएस्ट यहां एक भी तो पावर है ना, बट मैंने कहा है उच्चतम घात, चर राशि की उच्चतम घात कितनी है, दो है, तो ये देखो क्या कहलाएगा,
द्विघाती बहुपद, बट मैं पदों की बात करूं तो क्या कहलाएगा ये? द्विपदी, पदों के आधार पर द्विपदी, सॉरी तीन है तो क्या कहलाएगा? त्रिपदी। बट मैं अगर घात के अनुसार बात करूं तो क्या कहलाएगा? द्विपदी द्विघाती बहुपद। अब अगला देखिए, त्रिघाती बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? तीन हो। जैसे मैंने लिखा x की पावर तीन प्लस में एट, हाईएस्ट पावर कितनी है? तीन, तो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। और अगर मैं पदों के आधार पे बोलूं तो दो पद है तो क्या कहलाएगा? द्विपदी बहुपद। एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले चर राशियां, वे राशियां जिनका मान हमें निकालना पड़े, वो राशियां कौन सी होगी? चर राशियां। और जो मान प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो वो क्या कहलाएगी? अचर राशियां। चर राशि और अचर राशि या चर पद और अचर पद के चाहे योग हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, उसके संयोग को क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को ही क्या कहेंगे? बहुपद। यदि नंबर एक पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो। और उसकी चर राशि की घात क्या हो? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, मतलब एक दो तीन। उसके बाद बहुपद के प्रकार, नंबर एक आपका था पदों के आधार पर, नंबर दो था घात के आधार पर। पदों के आधार पर कितने प्रकार? तीन, एक पदी द्विपदी त्रिपदी। एक पद हो वो क्या कहलाएगा? एक पदी। दो पद हो वो क्या कहलाएगा? द्विपदी। तीन पद हो वो क्या कहलाएगा? त्रिपदी। उसी प्रकार बेटा अगर घात की बात करूं मैं, जिसकी हाईएस्ट पावर एक हो वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। हाईएस्ट पावर दो वो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। हाईएस्ट पावर तीन हो वो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद। देखिएगा यहां तक तो समझ में आ गया, ये था अपना बहुपद की परिभाषा और सामान्य परिचय। अच्छे से नोट्स बनाना इसके, हम एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करेंगे। और जो भी कहीं भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है आपको, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, कल आते ही दूसरे दिन मैं पहले वही समझाऊंगा। और अच्छे से रेगुलर क्लास लगाना है बेटा, रेगुलरिटी से काम करना है आपको। थैंक यू।